हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17.5 के अपडेट में बैटरी रिव्यू के बारे में। बैटरी टेस्ट मैंने करा है पूरा एक दिन इस नए अपडेट का, और मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कैसा रहने वाला है इस नए अपडेट का बैटरी स्टेटस। तो इस अपडेट को जब आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हो तो आपको कैसा बैटरी बैकअप रिसीव होगा, साथ में बैटरी हेल्थ के बारे में बात करेंगे। ड्रॉप तो नहीं हुई है एक दिन बाद, क्योंकि बहुत से अपडेट्स ऐसे होते हैं जो कि एक दिन के बाद ही आईफोन की बैटरी को ड्रॉप कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की इस वीडियो को, और साथ में हीटिंग के बारे में भी बात करेंगे। हीटिंग इशू आपको देखने को मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले गाइस, इस अपडेट का जो साइज़ मेरे को रिसीव हुआ था अपने डिवाइस पे, 837.3 का मेगाबाइट्स इसका अपडेट का साइज़ था। और यहाँ पर हर एक आईफोन के हिसाब से आपको अलग अलग साइजेस जो हैं वो देखने को मिले होंगे। अगर आपके पास आईफोन 13 से नीचे वाले मॉडल्स हैं तो 100 MB का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा हर किसी आईफोन पे। अगर 13 से ऊपर वाले आईफोन्स को यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी बड़ा साइज़ देखने को मिल सकता है, जैसे कि 1 GB तक इसका साइज़ नोटिस करा गया है अपडेट का आईफोन 15 प्रो मैक्स सीरीज़ के ऊपर। अब बात आते हैं यहाँ पर सबसे पहले बैटरी हेल्थ की। बैटरी हेल्थ कितनी हो चुकी है अपडेट के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 92% है। पहले वाले अपडेट में 1% बैटरी हेल्थ ड्रॉप हुई थी, तो 92 पहले ही पुराने अपडेट में हो चुकी थी। इस वाले अपडेट में बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं हुई है एक दिन के बाद। तो उसके बाद यहाँ पर बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो बैटरी बैकअप आपको कैसा देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ओवरनाइट में जो आईफोन 13 है वो ज़रा सी भी बैटरी को ड्रेन नहीं करता है। बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ओवरनाइट बैटरी ड्रेन का इशू आपको इस डिवाइस पे देखने को नहीं मिलेगा। और किसी डिवाइस में अगर आपको ओवरनाइट बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिलता है तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि उसको आपको कैसे फिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी एप्लीकेशन मैं जो यूज़ करता हूँ डे टू डे रूटीन में। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम, कैमरा, फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन, यूट्यूब और व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल की एप्लीकेशन यूज़ होती है मेरे इस डिवाइस के ऊपर। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसकी एक्टिविटी शो करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 48 मिनट्स तक मैंने इसे यूज़ करा है इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को, वो जो कि इसका ऑन स्क्रीन टाइम है। ज़्यादातर मैं इसे 10 मिनट तक या 5 मिनट तक एक टाइम पे यूज़ करता हूँ। कुल मिला के जो भी टाइम बनता है वो यहाँ पर 48 मिनट तक यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो डे टू डे रूटीन में ये कई बार 1 आवर या 1.30 आवर्स भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरी यूसेज रहती है मेरे इस डिवाइस के ऊपर। और साथ में मैं इस डिवाइस को कितनी बार चार्ज करता हूँ, इस डिवाइस को मैं एक दिन में एक ही बार चार्ज करता हूँ। कई बार मेरे को लगता है कि अगर बैटरी कम हो रही है तो मैं इसे सिंपली 50% से लेकर 80% तक भी चार्ज कर लेता हूँ 2 बार। तो इस तरीके से मैं अपने डिवाइस को मैनेज करता हूँ। बात आती है आईफोन की बैटरी हीटिंग के बारे में। इसके अपडेट में कोई हीटिंग इशू तो नहीं है। हीटिंग इशू आपको तब देखने को मिलता है जब आप उसके कैमरा को आईफोन के काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हो और काफ़ी हैवी गेमिंग वगैरह करते हो, वो भी 15 मिनट से लेकर हाफ एन आवर तक या 1 आवर तक, तब आपको हीटिंग इशू सबसे ज़्यादा अपने डिवाइस के ऊपर फेस होते हैं। तो आपको ये अपडेट में जो वॉलपेपर देखने को मिल रहा है वो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो वॉलपेपर है अपनी पोजीशन को चेंज करता है। एक एनिमेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस वॉलपेपर में, जैसे मैं यहाँ पर स्वाइप अप कर रहा हूँ तो ये अपनी एनिमेशन पोजिशन को चेंज कर रहा है। तो ये था बैटरी रिव्यू 17.5 के नए स्टेबल अपडेट का आफ्टर यूजिंग 1 डे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।